नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही औरंगाबाद के 5 नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि औरंगाबाद नगर परिषद, नबीनगर, रफीगंज, देव एवं बारून नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा वार्ड पार्षद के पदों के लिए 19 सितंबर तक नामांकन लिया जाएगा। नामांकन पत्रों की समीक्षा 20 से 21 सितंबर को होगी, जबकि 22 से 24 सितंबर तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के बाद 25 सितंबर को अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा, जबकि 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। इस बार सभी नगर निकाय में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव पहली बार सीधे जनता द्वारा किया जाना है। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद नगर परिषद में 33 वार्ड हैं, जबकि कुल बूथों की संख्या 109 है। इन बूथों पर कुल 95,599 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। औरंगाबाद नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद की सीट पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार रफीगंज नगर पंचायत में कुल 16 वार्ड है, जबकि कुल बूथों की संख्या 36 है। इन बूथों पर कुल 28,424 मतदाता अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। रफीगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य एवं उप मुख्य पार्षद की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। वहीं नबी नगर पंचायत में कुल 14 वार्ड है, जबकि कुल बूथों की संख्या 28 है। इन बूथों पर कुल 19,497 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नबीनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का पद आरक्षित महिला अन्य एवं उप मुख्य पार्षद का पद अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार बारून नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड है, जबकि कुल बूथों की संख्या 13 है। इन बूथों पर कुल 10,097 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बारून नगर पंचायत के उप पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित अन्य के लिए आरक्षित है। वहीं देवनगर पंचायत में कुल 11 वार्ड है, जबकि कुल बूथों की संख्या 13 है। इन बूथों पर कुल 9,777 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। देवनगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित अन्य के लिए आरक्षित है। औरंगाबाद नगर परिषद के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है और उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक औरंगाबाद अनुमंडल कार्यालय में अभ्यर्थियों से नामांकन लिया जाएगा। रफीगंज नगर पंचायत के लिए दाऊदनगर की भूमि सुधार उप समाहर्ता संजय कुमार को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है और उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक रफीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में अभ्यर्थियों से नामांकन लिया जाएगा। की घोषणा हो चुकी है और आज से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ पे चुनाव 10 तारीख को है और सभी प्रकार की तैयारी हमारी पूर्ण है। हम लोग प्रथम फेज में चुनाव कराएंगे और उससे पहले हम लोग ट्रेनिंग और हमारा FLC बाकी सब काम कंप्लीट करेंगे। सभी कार्य चल रहे हैं और समय से हम लोग कार्य पूर्ण करेंगे। नक्सल क्षेत्र में कितने बजे तक चुनाव होगा? चूँकि शहरी क्षेत्र में चुनाव है तो सभी जगह पर समान समय रखा गया है, 7 बजे से 5 जी। नगर निगम जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो सुरक्षा की तैयारी पूरी है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध हैं और सभी जगह जो तय माना कि उन अनुसार फोर्सेस दिए जाएंगे और नक्सल क्षेत्रों में हम लोगों का अभियान जारी रहेगा। सीमावर्ती इलाकों में जो नाके हैं वो एक्टिव हैं और एक पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को सम्पन्न कराया जाएगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।